MUF, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो वेव की वो रिटर्न होती है हमारी आयनोसाइड लेयर से, यानी आयनोस्फीयर लेयर होती है उससे रिटर्न होती है, उस फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे रेडियो वेव रिटर्न होगी। और वर्टिकल इंसिडेंस भी वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शो होती है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को एक्सीड कर जाती है उस टाइम पे जो हमारे इन्फ्लुएंस पड़ेगा जो आयनोस्फीयर लेयर पे उसके पाथ में जो प्रोपोगेशन में वो डिपेंड करेगा एंगल पे, कौन सा एंगल, इंसिडेंस एंगल जो आयनोस्फीयर में बनता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जिसे MUF से डिनोट किया जाता है एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ पे वापिस। और इस टाइम में एक कुछ स्पेसिफिक एंगल जो इंसिडेंट एंगल होता है उस टाइम में कुछ स्पेसिफिक एंगल होता है वर्टिकल के कंपैरिजन में, उस एंगल के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जिसमें रिफ्लेक्शन होता है और डिस्टेंस में प्रोपोगेशन होती है उसको मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आयनोस्फीयर लेयर में, आयनोस्फीयर लेयर के लिए जहां पे वो जहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, अगर हमारी वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वेव जो पिनिट्रेट होगी आयनाइज्ड लेयर से तो उस कंडीशन में हमारी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी आयनाइज्ड लेयर से, कोई भी रिफ्लेक्ट जो वेव है वो वापस नहीं आएगी अर्थ पे। किस कंडीशन में, अगर वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है वेव पिनिट्रेशन से, जो स्टार्टिंग जो दूसरा वेव होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का, ये भी कहा जाता है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसमें जो रिसीविंग पॉइंट होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ट्रांसमीटर के थ्रू, ट्रांसमीटर इक्वल जो रिसीविंग पॉइंट होगा और एक कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसमीटर से एक स्किप डिस्टेंस के बाद, तो उसको मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिसे वेव कम्युनिकेशन यानी दो पॉइंट्स अर्थ के कोई भी दो पॉइंट्स एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है उसे मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। ये हमारे डिफरेंट डेफिनेशन है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी की। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसे स्काई वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है अर्थ के किसी भी दो पॉइंट पे, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर टू पॉइंट्स हो गए उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। डिफरेंट वैल्यू होती है हर एक पेयर पॉइंट्स की, किसी जो अर्थ है अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज होगी। तो जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 8 मेगाहर्ट्ज से 35 मेगाहर्ट्ज तक होती है, लेकिन यूजुअली जो सोलर एक्टिविटी होती है उसकी रेंज हायर 50 मेगाहर्ट्ज तक हो जाती है। तो ये हमारी शो करती है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को। जो स्काई वेव रिटर्न होती है अर्थ पे एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन के बाद होती है, यानी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का, आर जो होगा उसे 90 डिग्री का डिनोट किया जाता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो आर जो होगा वो 90 डिग्री का होगा जिसे साइन 90, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90 लिया जाता है। इसमें देखिए कि जैसे कि हम म्यू की वैल्यू पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं अपने टॉपिक में, तो म्यू इज इक्वल टू था रूट ऑफ 1 - 81 nm upon f square muf, muf जो कि maximum usable frequency है, इसमें sin 90 degree जो कि is equal to 1 होगा, तो इस time पे इसमें हमने इसको 1 put कर दिया तो क्या आ गया, mu is equal to sin i जो is equal to होगा root is equal to root of 1 - 81 nm upon f square muf के,
देखिए जो 81 mm होता है वो इज इक्वल टू होता है एफ सी स्क्वायर के, तो यहाँ पे 81 mm की जगह हम एफ सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो साइन आई इज किसके इज इक्वल टू हो गया वन रूट ऑफ वन माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर एम यू एफ, यही हो गया। अगर हम इसके रूट को हटा देते हैं तो साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू वन माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर एम यू एफ आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर हो जाएगा, हमने रूट को हटा दिया यहाँ पे। तो इसमें देखिए कि जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर एम यू एफ इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर आई, जो इस वन माइनस साइन स्क्वायर आई जो यानी कोस स्क्वायर आई के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर आई आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब ये कोस स्क्वायर आई आया अब यहां से ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये यहाँ पे कोस स्क्वायर आई इधर आ जाएगा और एफ स्क्वायर एम यू एफ इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अपॉन कोस स्क्वायर आई जो इज इक्वल टू होगा सेकेंड स्क्वायर आई के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ स्क्वायर एम यू एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एफ सी स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर आई, ठीक है। तो एफ एम स्क्वायर कैंसिल कर दिया हटा दिया, तो एफ एम यू एफ इज इक्वल टू एफ सी इंटू सेकेंड आई। तो ये जो आया है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है वो एफ सी इंटू सेकेंड आई के इक्वल है। इसी वजह से इस लॉ को सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जिसका यूज स्काई वेव कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है एक पर्टिकुलर गिवन एंगल आई जो कि इंसिडेंट एंगल होता है जो अर्थ के टू पॉइंट्स पे होगा, उस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है 1000 किलोमीटर डिस्टेंस तक, यानी कि 1000 किलोमीटर डिस्टेंस तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, और वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है ट्रांसमीटर और दूसरा है रिसीवर, ठीक है ना, दो पॉइंट्स। तो इनका जो लिमिटिंग होते हैं ना अर्थ के कर्वेचर की वजह से आ जाती है, जो पाथ होता है वो सरफेस का वो हम देखेंगे कि एक फ्लैट सरफेस में होगा एक कर्व सरफेस में होगा। जो एंगल आई होता है वो होता है लिमिटिंग डिस्टेंस जो अबाउट 74 होता है फॉर एफ लेयर के लिए, इसलिए एफ एम यू एफ इज इक्वल टू होता है सिकेंड 74 इंटू एफ सी के, जिसे लिखा जाता है एफ एम यू एफ इज इक्वल टू 3.6 एफ सी के। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि डिफ्लेक्ट होती है आयनोस्फीयर से, ठीक है ना, ये मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें दो होंगे, एक तो होगी हमारी कर्वेचर अर्थ जो मैक्सिमम एंगल अर्थ की कर्वेचर अगर अर्थ कर्व की फॉर्म में है, तो दो पॉइंट एक तो ये ए है ए सी है जिसका डिस्टेंस जो कि हाफ यहाँ से यहाँ तक हाफ है यहाँ से यहाँ तक डी अपॉन टू है, तो ये जो हाइट होगी भाई वर्चुअल हाइट होगी मैक्सिमम यूज जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट हो रही है एफ लेयर से। और अगर कर्व की ये कर्व की बात करें अगर हम बात करें फ्लैट सरफेस की तो कुछ इस तरह से होगा जो कि आयनोस्फीयर लेयर पे फ्लैट सरफेस पे होगी, तो इस कुछ ट्राइंगल शेप में होगी। और यहाँ पे देखिए ये जो ए से बी तक का जो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है ये जो हाइट होगी ये डिनोट करती है रूट ऑफ डी अपॉन टू, यानी ए से होता है ये पूरा डी है तो ये हाफ डी अपॉन टू होगा, डी अपॉन टू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच जो वर्चुअल हाइट है इसका स्क्वायर, इन सबका रूट ये ए से बी तक रिप्रेजेंट करता है। तो दो अलग अलग वे में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो कर्व की फॉर्म में और एक ट्राइंगल सॉरी फ्लैट अर्थ की फॉर्म में। ये हमारा मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की जो आयनोस्फीयर की जो लेयर होती है उससे वर्टिकल इंसिडेंट से जाके फिर वापस आते रिफ्लेक्ट होके। तो इसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ पे वापिस। और दूसरी दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर
कभी कभी क्या होता है कि जो अगर वेव फ्रिक्वेंसी से, मैंने पहले भी कहा था कि अगर वेव फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है किसे, वेव पिनिट्रेट से, किसमें, आयोनाइज लेयर में, तो उस कंडीशन में वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती है अर्थ पे, ठीक है ना। तो ये हम सिंपली कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो कि रिसीविंग पाथ, जो हमारे टू पॉइंट्स होते हैं अर्थ पे, ट्रांसमीटर और रिसीवर, उस पे कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। इसकी कैलकुलेशन जो होंगी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।